हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और करंट अफेयर्स जो आखिरी 6 महीने के हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो करंट की जो वीडियोज़ है 6 महीने की, आखिरी 6 महीने की वीडियोज़ मैं चैनल पर लाता रहूँगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जाकर फटाफट उन पुराने वीडियोज़ को ज़रूर चेकआउट कर लें, देख लें, आपके काम की है वो। और आप जो है प्लेलिस्ट के माध्यम से भी उसे देख सकते हो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने लिंक लगा दिया है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है, फोर्थ एशियाई पैरा खेलों में भारत पदक तालिका में कौन से नंबर पर रहा है। तो देखिए सबसे पहले सवाल ये पूछा जाएगा कि जो फोर्थ एशियन पैरा गेम्स है ना, ये कहाँ खेला गया है। तो देखिए इसका सबसे जो सही जवाब होगा, सबसे क्या एक ही जवाब होगा, वो है चाइना। चाइना में ये ओलंपिक जो है खेला गया था। याद रखिएगा पैरा ओलंपिक में भारत की ओर से जो है 111 मेडल यहाँ पे जीते गए हैं, टोटल 111, ठीक है। और भारत की जो पोजीशन थी वो है 5वें नंबर की। तो 3 जीके मैंने आप लोगों को बता दिया। हो सकता है कि गोल्ड मेडल बारे में भी जो है पूछ लिया जाए। तो याद रखिएगा गोल्ड मेडल की अगर मैं बात करूँ तो भारत की ओर से जो है, भारतीय टीम की ओर से टोटल 29 गोल्ड मेडल जीते गए हैं। सिल्वर मेडल की बात करूं तो यहां पे आपको 31 दिखेगा और अगर ब्राउन्स की बात करूं तो ये आपको 51 दिखेगा। तो ये टोटल जो है तालिका है जहां पे भारत ने मेडल वगैरह जीती है। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नीलावु कुदिचा सुम्भांगलम, ये जो है एक बुक का टाइटल है, ये आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी। तो ये बुक जो है किसके द्वारा लिखी गई है, तो देखिए ये बुक जो है सोमनाथ के द्वारा लिखी गई है, एस सोमनाथ, जी हाँ, इसरो के जो चीफ हैं उनके द्वारा ये बुक लिखी गई है। याद रखिएगा इस बुक का मोटिव क्या है, ये जो ऑटोबायोग्राफी लिखी गई है इसका मोटो यानी कि उद्देश्य क्या है, तो बच्चे और जो यूथ है ना भारत के, उनको मोटिवेट करना, उनको जो है साइंस की ओर जो है अट्रैक्ट करना, आई मीन साइंस जो है वो बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े वो। एक और बात है कि हो सकता है कि सवाल ये भी पूछा जाए, नीलावु कुदिचा सिम्हांगलम जो है ये पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है। तो याद रखिएगा ये आपको मलयालम भाषा में देखने को मिल जाएगी। आई होप कि सारी बातें यहां तक क्लियर हो गई हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, रग्बी वर्ल्ड कप 2023 किस देश ने जीता है। तो देखिए ये जो है साउथ अफ्रीका ने जीता है पहली बात, और दूसरे नंबर पे कौन रहा है, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड जो है उपविजेता रहा, यानी कि रनर अप टीम रही थी यहाँ पे, ठीक है, इसे मैं लिख देता हूँ उपविजेता। चलिए आगे बढ़ेंगे, उससे पहले मैं आपको बता दूं एक और क्वेश्चन यहां से बन सकता है और वो क्वेश्चन क्या बनेगा वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए आपसे ये पूछा जा सकता है कि होस्ट कंट्री कौन सी थी। तो देखिए इस रग्बी वर्ल्ड कप 2023 की जो होस्ट कंट्री थी उसका नाम है फ्रांस। उसका नाम क्या है, फ्रांस। ये भी आपको जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो मैंने आपको सारी बातें बता दी है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने ये रहा, बोलेंडोर जो 2023 का अवार्ड है। देखिए बोलेंडोर जो है फुटबॉल का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है, सबसे प्रतिष्ठित जो है पुरस्कार दिया जाता है फुटबॉल में इंडिविजुअल के तौर पर, तो ये फुटबॉल का सबसे बड़ा पुरस्कार है। और इसे जीता किसने है 2023 का टाइटल, तो न्यूलैंड मेंसी ने जो है इसे जीता हुआ है पहली बात। दूसरी बात, ये इनकी 8वीं है, ये इनकी जो है 8वीं ये जो है पुरस्कार है। इससे पहले ये 7 बार इसे जीत चुके थे, ये इसकी इनकी जो है 8वीं पुरस्कार है, इससे पहले 7 ये जीत चुके थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने ये रहा, यहां से आप जो है मेसी की फोटो भी देख सकते हो। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या थी। भारत की जो रैंक है वो 111 है और बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि हम लोगों को अभी इस पे बहुत सारा काम करना है। और पिछले साल भारत की रैंकिंग कितनी थी, 107 थी, तो अभी हम लोगों को बहुत इंप्रूव करना है और हम लोग जो है जितना अच्छा कर पाएं उतना अच्छा करेंगे। फिलहाल आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले देखो यहाँ से जो है आपको कुछ चीज़ें दिखाई देगी, यहाँ से देखो, यहाँ से जो है आप देख सकते हो 125 कंट्री में जो है हम लोग 111वें नंबर पे हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है। तो देखो अगर आप करेंटली वाली वीडियोस को देखोगे ना, दिसंबर वाले करंट अफेयर्स वाली वीडियो को, वहां पे भी मैंने बताया है कि माइकल डगलस को जो है ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ये देखिए ये जो फिल्म फेस्टिवल है, गोवा फिल्म फेस्टिवल, ये गोवा सरकार यानी कि गोवा गवर्नमेंट के द्वारा और इंडियन गवर्नमेंट के जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा आयोजित किया जाता है, ठीक है। इस बार भी आपको प्रमोद सावंत वहाँ से दिखेंगे और अनुराग ठाकुर जो कि फिल्म और जो टीवी वगैरह के मुद्दे के मंत्रालय से संबंधित है वो आपको वहाँ से दिख जाएंगे। यहाँ से आप जो है डगलस की फोटो भी देख सकते हो। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, ICC के द्वारा जो है सेप्टेम्बर महीने के लिए जो है ICC मैंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है। तो देखिए उस समय जो है सुमन गिल बहुत अच्छा खेल रहे थे, तो सुमन गिल को ये पुरस्कार दिया गया है। याद रखिएगा सुमन गिल की ये सेकेंड टाइम है, जनवरी 2000
जनवरी 2023 में भी जो है इन्होंने ये पुरस्कार जीता हुआ है। तो ये इस साल इन्होंने जो है टोटल दो बार जो है प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब ये अपने नाम करा चुके हैं। अगर एक और सवाल मैं आपको बता दूं तो जो क्रिकेटर हैं फीमेल एथलीट हैं चमारी अट्टापट्टू श्रीलंका की है, वो जो है फीमेल जो है बेस्ट यहाँ पे प्लेयर ऑफ द मंथ के अवार्ड से उनको जो है नवाजा गया है। यहाँ से आप सुमन गिल की फोटो भी देख सकते हो। आगे बढ़ेंगे, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड जो क्षेत्रीय रेल सेवा है उसका नाम क्या है, तो देखिए रैपिडेक्स इसका नाम है। और अगर मैं इसको थोड़ा और डिटेल में जाऊं तो देखिए ये जो है दिल्ली, सबसे पहली बात है दिल्ली गाजियाबाद, और किसे कनेक्ट करेगी, दिल्ली गाजियाबाद और मेरठ को ये कनेक्ट करने वाली है, ठीक है। और इसकी जो लंबाई है टोटल लंबाई वो भी मैं आपको बता देता हूँ, लगभग 82 किलोमीटर आपको जो है इसकी लंबाई दिखेगी, अप्रॉक्स में आप इसे याद रख सकते हो, ठीक है। और यहाँ से आप इसकी फोटो भी देख पाओगे। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए क्या है, बदुकम्मा त्यौहार जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तेलंगाना। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तेलंगाना है। और ये जो त्यौहार है ना वो खास करके पुष्पों का त्यौहार है, फूलों का, ये जो है पुष्पों का त्यौहार है, इसे भी आप जो है नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, पुष्पों का ये त्यौहार है तेलंगाना में। और इससे मिलता जुलता तेलंगाना में एक और त्यौहार है, वो भी एग्जाम में शायद पूछा जा सकता है, या फिर बदुकम्मा और बोडम्मा जो है आपको पूछ दिया जाए, मैं उसका नाम भी लिख देता हूँ ताकि आप चीज़ों को अच्छे से कनेक्ट कर पाओ। बोडम्मा जो है और तेलंगाना में जो है ये बोडम्मा और बदुकम्मा ये दोनों त्यौहार जो है फूलों के लिए जो है सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ से आप पिक्चर देख लो, बहुत ही अच्छी पिक्चर आपको यहाँ से दिखेगी, और फूलों का जो है ये त्यौहार है, यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, सरस्वती सम्मान 2022 की जो है घोषणा कर दी गई है। आपको पूछा गया कि किसे ये सम्मान दिया गया है, तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, शिव शंकरी। और इनको जो है 2019 के संस्मरण के लिए, इन्होंने जो अपना संस्मरण लिखा है इसके लिए ये पुरस्कार इनको मिला हुआ है। अब एक और बात कर लेते हैं, बुक का नाम क्या था, तो सूर्यवंशम इनका बुक का नाम था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सूर्यवंशम, ठीक है। और एक और बात मैं आपको बता दूँ, ये तो हो गई छोटी मोटी बातें। अब देखिए 1991 से 1991 से जो है सरस्वती सम्मान आपको जो है देखने को मिलेगा, ये पुरस्कार दिया जाता है। अब मैं बात करूं कि सबसे पहली बार किसे मिला है, तो देखिए सबसे पहली बार जो है हरिवंश राय बच्चन को जो है ये पुरस्कार से नवाजा गया था, ठीक है। और एक और बात, ये जो है आदित्य बिरला फाउंडेशन ग्रुप के द्वारा जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर, नेक्स्ट सवाल देखिए आपके सामने ये रहा, विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में पहली रैंकिंग हासिल करने वाली भारतीय युगल जोड़ी कौन है। देखिए ये जो डबल्स की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, डबल्स पेयर की, तो देखिए डबल्स पेयर में ना ये भारत में पहली बार हुआ है ये, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की ये जोड़ी है, ये नंबर वन रैंक पे है। इन्होंने जो है इंडोनेशियन ओपन्स बहुत सारा जो है ओपन इन्होंने अपने नाम किया हुआ है, याद रखिएगा, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज इस पे जो है आप VVI लगा लो, ये क्वेश्चन हो सकता है कि कई बार आपसे जो है पूछा जा सकता है, बहुत बार ये क्वेश्चन आपको जो है रिपीट अलग अलग जो है सेक्टर में देखने को मिलेगा, अलग अलग जो एग्जाम हो रहे हैं कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन जो है जरूर मिलेगा, आई गारंटी यू। देखना आप अगर कुछ एग्जाम के क्वेश्चन को आप उठाओगे तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। बाय द वे मैं आपको बता दूं, अगर आप जहां से भी इस वीडियो को देख रहे हो ना तो प्लीज नीचे कमेंट करके उस जगह का नाम जरूर लिख दें ताकि मुझे भी पता चल सके कि ये वीडियो की रीच कहां कहां तक जा रही है, आप भारत के इंडिया के किस कोने से इस वीडियो को देख रहे हो, किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हो। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की फोटो आप यहां से देख सकते हो। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028, अब मैं एक सवाल पूछ लूं आपसे, ये कहां आयोजित होगा, नीचे कमेंट करके आप बताइएगा। और इसमें जो है 5 नए खेलों को शामिल किया गया, इसमें क्रिकेट भी है, यानी कि क्रिकेट का जो है T20 फॉर्मेट में जो है ये खेला जाएगा। अब देखिए क्रिकेट से एक और बात मुझे याद आ गई, मैंने रिसेंट वाली वीडियो में इसे अपलोड किया है, बताया है आप लोगों को, मोहम्मद शमी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत हॉट टॉपिक रहने वाला है एग्जाम में, ये आपसे पूछा जाएगा। फिलहाल मैं आपको बता चुका हूँ कि ये क्रिकेट जो है पहला क्रिकेट जो है 5 खेल हैं जिसमें क्रिकेट भी शामिल है, फ्लैग फुटबॉल भी शामिल है, याद रखिएगा फ्लैग फुटबॉल। तीसरा जो होगा वो मैं आपको शॉर्ट में लिखकर बता रहा हूँ, बेसबॉल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। चौथे नंबर पे जो है आपको स्क्वैश देखने को मिलेगा, और 5वें नंबर पे आपको जो है लैक्रोस जो है वो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप जो है अलग अलग 5 खेलों को देख सकते हो फोटो में। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे, हाल ही में क्रिस्टोफर लक्षण किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की जो फीमेल प्रेसिडेंट थी, थोड़ा सा जेंडर वाइस नहीं हूंगा मैं, उन्होंने जो है बोल दिया कि अब मुझसे काम नहीं हो रहा है, आई वॉन्ट टू रिटायर, तो वो रिटायर हो गई और फिर जो है इनको यहाँ पे चुना गया है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे,
खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए 16 अक्टूबर को खाद्य दिवस जो है मनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए इससे रिलेटेड और भी मैं जो है इसमें हम लोग जो है और चीज़ों को बात करेंगे। 8 अक्टूबर को जो है क्या मनाया जाता है, ये भी सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा। तो और 24 अक्टूबर को भी क्या मनाया जाता है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। फिलहाल यहाँ से आप देख पाओगे, यहाँ से जो है 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है। अब देखिए इसका थीम क्या था, यह भी एग्जाम जो है में जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पूछा जाता है। जल ही जीवन है, जल ही भोजन है और किसी को पीछे ना छोड़े। अब आपको लगेगा ये कैसा थीम है, लेकिन यही थीम था। वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड एंड नो वन लेट देम बिहाइंड। तो ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है। 150 सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले देश का पहला महिला, एक्चुअली 150 नहीं है यहाँ पे, सॉरी ISO है, ठीक है, ISO यानी कि शुद्धता का प्रमाण, या फिर जो है ये सर्टिफिकेट दिया जाता है कि ये जो है बहुत अच्छा है। तो ISO सर्टिफिकेट पाने वाला देश का पहला महिला जो है पुलिस स्टेशन कौन बन चुका है, तो देखिए ये है महिला थाना भोपाल। भोपाल को जो है अच्छे डेकोरम, यहाँ पे जो है बहुत सारी चीज़ों को किया जाता है, याद रखिएगा, इसलिए जो है महिला थाना को यहाँ पे जो कनेक्टिविटी है, महिलाओं को जो फैसिलिटीज़ वगैरह मिलती है, इसके लिए जो है इनको इसरो के द्वारा जो है सम्मान दिया गया है। ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये भी सवाल पूछा जाता है। देखिए ISO की अगर मैं बात करूँ तो देखिए ISO में टोटल 160 कंट्रीज़ के जो है यहाँ पे ये कंट्री का संगठन है ISO, ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, यहाँ से जो है इनको सम्मान दिया जा रहा है, ये फोटो भी आप देख सकते हो। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? तो देखिए जो ये वर्ल्ड हेल्थ और समिट है ना, ये हर साल एक ही जगह पे आयोजित किया जाएगा और उस जगह का नाम है बर्लिन। वो कहाँ है? बर्लिन। बर्लिन जो है आपको कहाँ मिलेगा? जर्मनी में देखने को मिलेगा। हर साल जो है यहाँ पे आयोजित होता है, तो इस बात को आप जो है ध्यान में आपको रखना है। यहाँ से आप इसकी फोटो भी देख सकते हो, यहाँ से देख लीजिए, बर्लिन जर्मनी में जो है डिजिटल रूप से इसका जो है आयोजन किया गया है। लोग जो है यहाँ पे आए थे, जुड़े थे इस आयोजन से, इस इवेंट से। अगला सवाल देखिए क्या है, नोबेल पुरस्कार विजेता लुइस ग्लुक का जो है निधन हो गया है, इनको किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया था? तो देखिए 2020 के लिए जो है इनको नोबेल प्राइज मिला था साहित्य यानी कि लिटरेचर के क्षेत्र में, और इनका जो है हाल में ही निधन हो गया। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे सवाल आपको देखने को मिल जाएगा। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे, ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो ग्लोबल पेंशन की बात करें तो लोगों को जो है कितनी आसानी से पेंशन वगैरह मिल पाती है, और जो है करप्शन है क्या इसमें, तो इन चीज़ों को जो है इसमें शामिल किया जाता है और सवाल यहां से पूछे ही जाएंगे। इसका सही जवाब देखिए क्या हो जाएगा, भारत की रैंक जो है 45वीं है। नंबर वन पे कौन आपको देखने को मिलेगा? नीदरलैंड आपको नंबर वन पर देखने को मिल जाएगा, नीदरलैंड जो है नंबर वन पे है। नंबर टू की अगर मैं बात करूं तो नंबर टू पे आपको जो देखने को मिलेगा वो है आइसलैंड। वो कौन सा है? आइसलैंड। अगर थर्ड नंबर की बात करूं तो थर्ड नंबर पे आपको जो है डेनमार्क देखने को मिल जाएगा। कौन मिलेगा? डेनमार्क। तो इन चीज़ों को आपको जो है याद रखना है, मैंने तीनों के बारे में आप लोगों को बातें बता दी है, यहाँ से आप इसको देख सकते हो। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे, हाल ही में किस राज्य के डंपा टाइगर रिजर्व में टॉड की नई प्रजाति खोजी गई है? मेढक की अगर मैं बात करूं आप समझ जाओगे, और ये इसकी फोटो है। अब देखिए यहाँ से एक और जीके आपसे पूछा जा सकता है, बायफोर्डियस जो भूपति हैं, ये एक सर्प सिर्फ है यानी कि एक साइंटिस्ट है, इनके नाम पे जो है इसको स्पीसीज का नाम रखा गया है। सवाल आपसे क्या पूछा गया था? सवाल पूछा गया था कहाँ खोजा गया है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मिजोरम इज द राइट आंसर। डी के साथ आपको आगे बढ़ना था। हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नागालैंड के किस जिले में पहला मेडिकल कॉलेज खोला गया है? देखिए देश का दुर्भाग्य है कि भारत इतने देश तक आज़ाद इतने दिनों तक आज़ाद हो चुका है और नागालैंड में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं खोला गया था। ये पहला मेडिकल कॉलेज है जो कि नागालैंड की कैपिटल कोहिमा में इसे खोला गया है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ से आप इसकी फोटो भी देख सकते हो। फिलहाल के लिए यहाँ पे 100 सीटों को जो है अलॉट किया गया है, आगे जो है इसे बढ़ाया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, और बढ़ाया ही जाना चाहिए, मेरा भी यही मानना है। हाल में ही रघुवर दास जो कि झारखंड के एक्स सीएम रह चुके हैं, चीफ मिनिस्टर ये झारखंड के रह चुके हैं, 8 से 9 बार ये जो है एमएलए भी बन चुके हैं, तो रघुवर दास को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ओडिशा के लिए जो है इनको राज्यपाल के पद से जो है सम्मान दिया गया है। ये बीजेपी से पार्टी से संबंधित थे, अब राज्यपाल बन चुके हैं, गवर्नर बन चुके हैं, ठीक है। यहाँ से फोटो इनकी नहीं लगी हुई है, कोई बात नहीं। मैडम कमिश्नर नामक बुक को किसके द्वारा लिखा गया है? तो देखिए ये बुक जो है मीरा बोर वनकर के द्वारा लिखी गई है, और ये महाराष्ट्र कैडर की जो है
आईपीएस अधिकारी हैं, यहाँ से आप इनकी फोटो देख पाओगे। और फोटो में जो है इन्होंने अपने सर्विस ईयर में जो भी चीज़ें देखी समझी, जो घटनाएं इंपॉर्टेंट इनके लाइफ में हुई है करियर में, उसको यहाँ पे इन्होंने पिरोया है, रखा है इस बुक में, पहली बात। दूसरी बात, अजमल कसाब भी जो है आपको इसी समय दिखेगा। तो अजमल कसाब जी के अजमल कसाब जी नहीं, वो टेररिस्ट था, अजमल कसाब के बारे में भी जो है इस बुक में आपको जो है देखने को मिलेगा, ठीक है। अजमल कसाब को जो है भारत सरकार के द्वारा जो है फांसी पे लटकाया गया था, उसने मुंबई पे आकर बहुत सारे निर्दोष लोगों को जो है मारा, वो समुद्र के किनारे पे वो जो है मुंबई से वो आए थे, और ताज होटल पे भी हमला किया गया था, बहुत सारी मूवीज भी इस पे बनी है। हाल में ही आपदा प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार 2023 से जो है किसे सम्मानित किया गया है, तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, REC लिमिटेड। और REC लिमिटेड को क्यों सम्मानित किया गया है, तो देखिए ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, सस्टेनेबल यानी कि वैसे चीज़ों पे जो कि जो है लंबे समय तक कायम रहे, और ये इलेक्ट्रिसिटी वगैरह प्रदान करते हैं, इसलिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन जो है ये गांव का पुरस्कार किस गांव को दिया गया है, तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात। गुजरात में जो है आपको, वेट मैं फोटो दिखाता हूं तो आपको जो है चीजें समझ में आएगी। यहां से देख लो, ये गुजरात का जो है आपको कच्छ का रण दिखेगा, जिसे जो है हम लोग जो है जो नमक का जो है रेगिस्तान भी कहते हैं, और यहां पे जो बेहतरीन आपको जो है कल्चर, यहां की जो संस्कृति है, यहाँ का जो खान पान है, जो गीत है, लोकगीत है, वो आपको देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे मस्ट विजिट वाली प्लेसेस में ये एक है, और साल भर में एक बार यहाँ पे आयोजन किया जाता है, तो बहुत ही कमाल की है। आपको YouTube पे बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज के ऊपर मिल जाएगी, आपको जो है इसे जरूर देखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, हाल में ही जो है राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग ने किसे नेशनल आइकन बनाया है, तो देखिए नेशनल आइकन की अगर मैं बात करूं तो इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो है राज कुमार राव को जो है जो नेशनल आइकन है बनाया गया है। क्यों बनाया गया, ताकि जो यूथ है वो जो है वोट डालने के लिए जो है जागरूक हो पाए, पहली बात। दूसरी बात, वोटिंग परसेंटेज को जो है गांवों में या फिर दूरदराज के इलाके में तो अच्छी होती है, शहर के युवाओं को जो है प्रोत्साहित वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने के लिए जो है राजकुमार राव को यहां पे नेशनल आइकन बनाया गया है। इससे पहले सचिन तेंदुलकर यहां पे थे। एक सवाल पूछ लूं अगर आपको बुरा ना लगे, नीचे कमेंट करके बताना है राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष का नाम आपको बताना है कि अभी के अध्यक्ष कौन है, नीचे कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, और यहां से आप राजकुमार राव की फोटो भी देख पाओगे। अगला सवाल, हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कोच किसे बनाया गया है, तो देखिए इरफान पठान बिल्कुल नहीं, दिनेश कार्तिक बिल्कुल नहीं, VVS लक्ष्मण भी नहीं है, सही जवाब है अमोल मजुमदार। अमोल मजुमदार इज द राइट आंसर, पहली बात। दूसरी बात, यहां पे जो है आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के जो है कोच कौन है, तो नाम याद रख लेना है आपको, राहुल द्रविड जो है भारतीय पुरुष टीम के जो है कोच हैं। आपसे यह भी सवाल पूछा जा सकता है भारतीय क्रिकेट टीम की जो है कैप्टन कौन है, तो हरमनप्रीत कौर जो है, ये नाम आपको याद रख लेना है, हरमनप्रीत कौर जो है तीनों फॉर्मेट में, टेस्ट, T20 और जो है आपको ODI वगैरह में जो है हरमनप्रीत कौर भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए दिखेगी। एक और बात, हरमनप्रीत कौर जो है मुंबई इंडियंस में जो है वो मुंबई इंडियंस की ओर से खेलती है। ये देखिए आपको अमोल मजुमदार की जो है पिक्चर देखने को मिलेगी। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे, चर्चित जमरानी बांध बहुदेशीय परियोजना का संबंध किस राज्य से है, तो इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा आपको उत्तराखंड, सी जो है। और देखिए ये जो उत्तराखंड में डैम बनाया ना, इसका मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, यानी कि ये सिंचाई इरिगेशन के लिए जो है ये काम में आने वाला है। किस किस दो राज्यों को फायदा होगा, पहला तो उत्तराखंड खुद, और दूसरा जो होगा वो होगा UP यानी कि उत्तर प्रदेश, दोनों जगहों पर जो है सिंचाई में ये काम में आने वाला है। एक और बात मैं आपको बता दूं, PM कृषि सिंचाई योजना के में जो है इसे ऐड कर लिया गया है, इसे जो है PM सिंचाई जो है परियोजना है उसमें इसको ऐड कर लिया गया है, यहां से आप इसकी फोटो भी देख सकते हो। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, हाल में ही जूनिपर वृक्ष को किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्य वृक्ष घोषित किया गया है, तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, लद्दाख जो है यूनियन टेरिटरी बन चुकी है। एक छोटा सा सवाल फिर से पूछना चाहूंगा, भारत में टोटल कितने स्टेट्स हैं, बहुत ही आसान सा सवाल है, और टोटल कितने यूटीज हैं, यानी कि यूनियन टेरिटरीज हैं, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज कितने हैं, नीचे कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको एक दिल से बात बताता हूं, मैं एक बार खुद एग्जाम में
जो है गलती कर चुका हूं, इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग गलती करें। नहीं पता हो गूगल में देख लीजिए, और प्लीज सभी लोग कमेंट करें ताकि दूसरे को जो है इसके बारे में पता चल सके। तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, लद्दाख कहां है, ऑप्शन ए में। लद्दाख में जो है जूनिपर वृक्ष को जो है राष्ट्र, जो केंद्र शासित प्रदेश है, इसका राष्ट्रीय वृक्ष घोषित किया गया है। अब ये जो वृक्ष है ना, ये देखो फोटो अगर लगी है तो मैं आपको दिखा देता हूं। जी हाँ लगी है। ये जो है मसाले के काम में आती है, सबसे पहली बात है। इसका जो है यूज मसाला में जो है लिया जाता है, मसाला फूड वगैरह बनाने में। दूसरा ये जो है ना दवाई के तौर पर एज अ मेडिसिन जो है इसे यूज किया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वृक्ष है, इसलिए इसको जो है एक्चुअली देखो कहीं पे भी जो है वृक्ष जो है ना, या सुंदरता उसकी बहुत अच्छी हो या फिर कुछ उसमें स्पेशल प्रॉपर्टीज हो, गुण हो, इसलिए जो है इसे चुना जाता है। हाल ही में देखिए चर्चित जो पेंट ब्रश स्विफ्ट है, ये नाम है याद रखना, ये कोई पेंटिंग वगैरह नहीं है। तो ये चर्चा हमें रही है इस दुर्लभ प्रजाति, रेयर स्पीसीज का नाम आपको बताना है। रेयर स्पीसीज कौन है, तो देखिए ये बटरफ्लाई है, फोटो में दिखाता हूं आपको, लगेगा ये तो मेरे गांव में भी दिखता है, डोंट वरी ये आपके गांव में नहीं दिखेगा। ये बटरफ्लाई है और यहाँ ये मैरीगोल्ड के प्लांट के ऊपर में ये बैठी हुई है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। बिम्स्टेक का महासचिव किसे बनाया गया, देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होता है। बिम्स्टेक यानी कि बे ऑफ बंगाल संगठन जो है, देश जो अलग अलग जुड़े हुए, थाईलैंड, इंडिया, म्यांमार, बांग्लादेश। तो देखिए बिम्स्टेक में अभी तक भारत का कोई अध्यक्ष नहीं चुना गया था, इंद्रमणि पांडे जो है पहली बार चुने गए, तो ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहली बात। दूसरी बात, ये जो बिम्स्टेक की स्थापना है 1997 में की गई है, 1997 में जो है इसकी स्थापना की गई है। और याद रखिएगा ये जो है, ये आपको जो है इसमें टोटल कंट्रीज की, अगर मैं नंबर ऑफ कंट्रीज की बात करूं तो टोटल 7 देश इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। यहां से आप जो है इंद्रमणि पांडे जी की फोटो भी देख पाओगे। विश्व पोलियो दिवस हर वर्ष जो है किस दिन को जो है मनाया जाता है, मैंने क्या कहा आपको, अक्टूबर में मैंने आपको एक और पढ़ाया था, 16 अक्टूबर को जो है हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड फूड डे। और इस साल की जो थीम थी मैंने आपको बता दिया था, फूड जो है क्या है, सॉरी वाटर इज लाइफ, वाटर इज अ फूड, इज वाटर इज फूड, और किसी को पीछे नहीं छोड़ना है, ये इसका थीम था। फिलहाल पोलियो दिवस जो है वो किस साल मनाया, हर साल किस दिन मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 24 अक्टूबर को जो है ये मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2014 से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ ये आपको देखिए 24 अक्टूबर दिख रहा होगा, आगे बढ़ेंगे। हाल ही में आयोजित एंथूरियम महोत्सव जो है, एंथूरियम जो है प्लांट जो है वो फूल है का प्लांट है, फूल का प्लांट का जो है महोत्सव किस राज्य में किया जाता है, तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा मिजोरम। ये क्या हो जाएगा, मिजोरम। यहाँ से आप एक मिनट में आपको फोटो दिखा देता हूं ताकि आप चीजों को अच्छे से समझ पाओ। ये देखिए ये जो फूल है ना, इसको जो है यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है और ये कल्चर वगैरह जो है यहाँ पे शो करते हैं, याद रखिएगा इस बात को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंथूरियम फूल को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है मिजोरम में। अगला सवाल, हाल ही में चक्रवाती तूफान हामून का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया, तो देखिए बारी बारी हर किसी का जो है इसमें आपको देखने को मिलेगा, और इस बार जो है बंगाल की खाड़ी में ये देखने को मिला था, ईरान के द्वारा जो है इसका नामकरण किया गया था। ए आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और यहां से आप इसकी फोटो भी देख पाओगे। संयुक्त सैन्य अभ्यास हिरोमो शक्ति 2023 भारत और किस देश के सेना के बीच में ये आयोजित हुआ है, ये सवाल है आपसे। देखिए ये आपको मलेशिया में जो है देखने को मिलेगा, कहां पे देखने को मिलेगा, मलेशिया में, मलेशिया देश और भारत के बीच जो है ये सैन्य अभ्यास हिरोमो जो है किया गया, हिरोमो शक्ति जो है इसका जो है आपको मलेशिया और भारत के बीच में जो है सैन्य अभ्यास देखने को मिलेगा। लेकिन आयोजन कहां किया गया है, तो भारत के मेघालय में जो है इसका आयोजन किया गया है। आई होप कि सारी बातें आपको क्रिस्टल क्लियर हो रही होगी, यहां से आप फोटो भी देख सकते हो। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिशन सिंह बेदी, इनका हाल में ही निधन हो गया है, तो ये जो किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं ये आपसे पूछ लिया गया है। तो देखिए ये क्रिकेट से जो है जुड़े हुए थे, इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल क्वेश्चन का पैटर्न बदल गया है, वहां पे आपको 3-4 स्टेटमेंट दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कौन सा स्टेटमेंट इसमें से रॉन्ग है या सही है, तो प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। बिशन सिंह बेदी की फोटो भी आप यहां से देख सकते हो, अमृतसर में इनकी पैदाइश है, ये अमृतसर में पैदा हुए थे, गोल्डन टेम्पल भी आपको वहीं देखने को मिलेगा। हाल ही में प्रकाशित इंडिया ऑन देयर माइंड्स 8 वुमेन 8 आइडियाज ऑफ लाइफ, देखिए
ये आठ अलग अलग पर्सनालिटी यानी आठ अलग अलग व्यक्तित्व की महिलाओं के बारे में लिखा गया है, उनके आइडिया के बारे में लिखा गया है कि राष्ट्रवाद के प्रति जो है उनका क्या नजरिया है, क्या रवैया है, उसके ऊपर जो है ये लिखा गया है। ऋतु मेनन के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। डी इसका क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। फोटो अगर लगी है तो मैं आपको यहां से दिखा देता हूं, ये ऋतु मेनन की फोटो आपको दिखेगी और बुक की भी फोटो, इंडिया ऑन देयर माइंड्स, आठ महिलाओं के बारे में और उनके आठ आइडियाज के बारे में बात की गई है। बहुत ही कमाल की किताब है, मैंने नहीं पढ़ी है, मैंने रिव्यूज का पढ़ा है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म यानी कि IRCTC, ये जो है आप टिकट वगैरह ऑनलाइन जाते होगे तो इसी वेबसाइट के थ्रू जाते होगे, है ना, और जो रेल नील वगैरह आता है या फूड वगैरह आती है तो IRCTC के जो चेयरमैन है उनके बारे में जो है आपसे सवाल पूछा गया है, किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए संजय कुमार जैन जी को जो है यहाँ पे IRCTC का क्या किया गया है, अध्यक्ष चुन लिया गया है। यहां से आप इनकी फोटो भी देख पाओगे। अगला सवाल, यूनाइटेड स्टेट ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है, मैक्स वेपन। और याद रखिए ये इनकी 50वीं जीत है। कितनी जीत है, 50वीं जीत है। और इस सीजन में, ये जो करंट सीजन है ना, इसमें इन्होंने कितना कितनी जीत हासिल कर ली, 15 जीत हासिल कर ली है। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, यहां से आप मैक्स की फोटो भी देख पाओगे। अगला सवाल देखिए क्या है आपके सामने, किस कंपनी के द्वारा हाल में ही ऑनलाइन स्कैम से बचने के लिए डीजी कवच का जो है लॉन्च किया गया है। तो गूगल के द्वारा जो है ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए डीजी कवच का जो है ये, यहां से आप इसकी फोटो भी देख सकते हो और नीचे आपको जो है गूगल इनिशिएटिव दिखेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। हाल ही में आध्यात्मिक गुरु बंगारू आदिगलर का जो है निधन हो गया है, इनको पद्मश्री भी दिया गया था, ये सवाल आपसे पूछ लिया गया है। तो देखिए इनको जो बंगारू आदिगलर हैं, इनको जो श्रद्धालु हैं, इनको जो मानने वाले लोग हैं, ये इनको अम्मा के नाम से बुलाते थे, अम्मा यानी कि माँ के नाम से बुलाते थे। अब जो है इनको 2019 में जो है पद्मश्री के सम्मान से नवाजा भी गया था, यहां से आप इनकी फोटो भी देख पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। पहले भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का आयोजन कहां किया गया, तो देखिए ये जो भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का जो आयोजन है भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया था और राजनाथ सिंह यहां पे पहुंचे थे। उनका जो जोर था इस प्रोग्राम का, मेड इन इंडिया जो वेपन है उसको जो है आगे बढ़ाया जाए, पहली बात उसके ऊपर, और आर्मी के कल्चर के बारे में यहां पे बात की गई थी, आर्मी के कल्चर वगैरह के बारे में आपको यहां पे देखने को मिलेगा। फोटो मैं आपको दिखा देता हूं और ये देखो आपको यहां से जो अलग अलग जो लोग हैं यहां पे जुड़े हुए हैं, वायुसेना, जलसेना, थलसेना के लोग, आर्मी, नेवी और जो एयरफोर्स के हैं, वो आपको फोटो में दिख रहा होगा। अब ये हुआ कहाँ है, न्यू दिल्ली में हुआ है, सीधा आंसर बी के साथ आपको जाना है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको मैंने दे दी। हाल ही में किसे अवार्ड फॉर द ग्लोबल लीडरशिप के सम्मान से सम्मानित किया गया है, DY चंद्रचूर, हमारे देश के CGI यानी कि चीफ जो जज है, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी आप इसे बोल सकते हो, शॉर्ट फॉर्म में CGI मैंने लिख दिया है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम सबसे पावरफुल जो है जज यही है। ठीक है, DY चंद्रचूर, यहां से आप इनकी फोटो भी देख पाओगे। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। और एक और बात मैं आपको बता दूं, राज ये जो CGI के जो का जो पद है उसके बारे में जो है आपको 124वें अनुच्छेद में जो है संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में देखने को मिलेगा। ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स यानी कि जो ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या थी, तो देखिए भारत की रैंक जो है 40वीं थी। कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन ए के साथ आपको जाना था, सीधी सीधी बात है, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। यहां से आप इसकी जो है ये एक और सवाल थोड़ा देख लेते हैं। 16th एडिशन ये था, कौन सा एडिशन था, 16th। आगे बढ़ते हैं, ईरानी ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता, तो सबसे पहले ईरानी ट्रॉफी के बारे में जान लीजिए, जो रणजी का विजेता होता है ना, रणजी टूर्नामेंट जो है खेला जाता है हर स्टेट के बीच में, और रणजी में जो जीतता है, रणजी का जो विनर टीम होता है और जो पूरे भारत की टीम होती है, रेस्ट ऑफ इंडिया जो है दोनों टीम यहाँ पे टकराएगी, खेलेगी, ऑब्वियसली टकराना, मैंने थोड़ा सा मेटाफर का यूज किया है, दोनों यहाँ पे जो है मेटाफर के तौर पे जो है टकराएंगी, और जीतेगा कौन 2023 का टाइटल, मैं नहीं बता रहा हूं, मैं कोई सट्टाबाज नहीं हूं, बट इसका सही आंसर क्या है, रेस्ट ऑफ इंडिया यानी कि शेष भारत ने जो है रणजी ट्रॉफी के जो चैंपियन है सौराष्ट्र उसको हरा दिया, ये रनर अप टीम रही थी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल बनता है एग्जाम में, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, यहां से आप इसकी फोटो भी देख पाओगे। आगे बढ़ेंगे, गणित का प्रतिष्ठित रामानुजन पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है, तो देखिए रुई ज़ुआंग जॉक को जो है ये पुरस्कार दिया गया है। कब दिया गया है, 22 दिसंबर जो है मैथमेटिक्स डे, रामानुजन के डेट ऑफ बर्थ पे, और इसकी शुरुआत कब की गई थी, 2005 से जो है इसकी शुरुआत की गई थी, और रामानुजन बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, तमिलनाडु से ही आते हैं, और उनकी डेथ जो है 32 साल में ही हो गई थी। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए क्या है, देश का पहला दिव्यांग सेंटर। तो देखिए ये दिव्यांग सेंटर बनाया गया है अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग स्पोर्ट्स सेंटर, ये जो है आपको एमपी में देखने को मिलेगा। और इसको जो ओपन करने का मोटिव था, मोटिव क्या था कि यहाँ पे जो है विकलांग लोग, दिव्यांग जन जो है आए और खेल में जो है उनकी पार्टिसिपेशन बढ़े। आगे बढ़ेंगे अब हम लोग, यहाँ से आप फोटो भी देख पाओगे। अगला सवाल देखिए क्या है, विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है। तो देखिए ये बिहार के गया में आयोजित आपको देखने को मिल जाएगा। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। लोगों का मत है कि अगर यहाँ पे पिंड दान कर दिया जाए तो उनके जो पूर्वज हैं उनके आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है, मोक्ष की जो है प्राप्ति होती है, तो इसलिए यहाँ पे बहुत भीड़ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ से जो है पितृदान करते हुए आपको फोटो भी दिख जाएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे, देश का पहला कार्टियोग्राफिक यानी कि मानचित्रकला जो मैप है ना उसकी म्यूजियम आपको देखने को मिलेगी। तो सवाल पूछा गया है कि ये आपको कहाँ देखने को मिलेगी, तो देखिए ये आपको उत्तराखंड, उत्तराखंड के मसूरी में देखने को मिलेगी, जहां पे देखो ये जो है ना मैप को जो है बिल्कुल पेन पेपर पे उतार दिया गया है। यहां से एक और फोटो देख लो ताकि आप चीजों को अच्छे से समझ पाओगे। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे, BRO यानी कि सीमा सुरक्षा संगठन। देखिए ये BRO का काम क्या है ना कि जो जो बॉर्डर के आसपास जो रोड वगैरह का जो निर्माण है, ब्रिज वगैरह का निर्माण है, ये कराती है। ठीक है, तो उनका नया महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ अ बोर्ड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन का जो है किसे अपॉइंट किया गया है, ये आपसे सवाल पूछा गया है। तो देखिए लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन को जो है इसका मैनेजिंग डायरेक्टर चुना गया है। यहां से आप इनकी फोटो भी देख पाओगे। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, देश का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग यानी कि नीचे लोग साइकिल चलाएंगे उसके ऊपर एक रूफ डाल दिया जाएगा छत, और उसके ऊपर जो है सोलर सिस्टम से जो है बिजली को जो है बचाया जाएगा, बिजली को एकत्रित किया जाएगा। ये आपको कहां देखने को मिलेगा, तेलंगाना की जो कैपिटल है हैदराबाद, हैदराबाद में आपको ये देखने को मिलेगा पहली बात। दूसरी बात, हैदराबाद में देखने को मिलेगा, और ये कितना किलोमीटर है, तो 23 किलोमीटर इसकी जो है टोटल लेंथ आपको देखने को मिलेगी। यहां से आप फोटो भी देख पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसे विज्ञान के क्षेत्र में नीदरलैंड के सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो देखिए डॉक्टर ज्योइता गुप्ता, डॉक्टर ज्योइता गुप्ता, यहां से आप इनकी फोटो देख पाओगे। इन देखिए इन्होंने काम क्या किया है उसके बारे में जो है आपको जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए इन्होंने जो है काम किया है बहुत बेमिसाल, और इन्होंने जो है नीदरलैंड का सबसे जो है सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार जीत लिया है, और ये इकोसिस्टम पे काम करने वाली महिला है। ये भी आपको याद रखना, इकोसिस्टम यानी कि हमारे आसपास का जो टेम्परेचर है, पेड़ पौधे को लेकर जो है ये सेंसिटिविटी बढ़ाती हुई पाई जाती है। अब देखिए साइक मिशन किस देश का अंतरिक्ष मिशन है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए ये नासा कहाँ है, ऑप्शन नासा, सॉरी नासा तो ऑप्शन में नहीं है, अमेरिका जो है आपको देखने को मिलेगा, अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है जिसका नाम क्या है, नासा है। आगे बढ़ेंगे, यहां से आप इसकी फोटो भी देख पाओ। नासा का ये जो मिशन है ना, देखो एस्ट्रॉइड वगैरह पे जो है कितना मेटल मिल सकता है इसके बारे में ये जो है गहन अध्ययन करने वाली है। अगला सवाल देखिए, वैक्सीन R21 जो है किस बीमारी से जुड़ी है। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा मलेरिया, ये मलेरिया से जुड़ी हुई बीमारी है। इसमें जो है मलेरिया में जो है ना 75% से ज्यादा ये जो है प्रभावी होने वाला है ये टीका, ये वैक्सीन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बनाया किसने है, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है इसे बनाया गया है। तो इन चीजों को आपको याद रख लेना है, बहुत ये इंपॉर्टेंट सवाल है। यहां से आप इसकी फोटो भी देख पाओगे। अगला सवाल, सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जो है भारत के किस देश की फुटबॉल टीम को हराकर जीता है। किसने जीता है, भारत ने जीता है। हराया किसे है, पाकिस्तान को हराया है। कहां पे हराया है, यानी कि सैफ अंडर 19 का फुटबॉल का जो है वो मेजबान कंट्री, होस्ट कंट्री कौन था। तो देखिए इसे होस्ट किया था नेपाल ने। किसने होस्ट किया था, नेपाल देश ने इसे जो है होस्ट किया था। चलिए आगे बढ़ेंगे, यहां से आप जो है इंडियन टीम को देख सकते हो, और देखिए पीछे में आपको नेपाल का झंडा भी दिख जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, पीटीआई का जो है चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए पीटीआई की जो स्थापना है 1947 में जो है इसकी स्थापना की गई थी, और सवाल आपसे पूछ लिया गया है किसे जो है इसका जो है चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो के एन शांत कुमार को जो है इसका चेयरमैन नियुक्त किया गया है, ऑप्शन ए के साथ आपको जाना था। यहां से आप इसकी फोटो भी देख सकते हो। अगला सवाल देखिए, हाल में ही RBI का जो है कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। मोनिश कपूर कहाँ है, ऑप्शन सी में मोनिश कपूर को जो है नियुक्त किया गया है। RBI की बात करूं तो हेडक्वार्टर इसका कहाँ है वो आप बताओगे, इसकी स्थापना यानी कि इसकी जो फाउंडेशन है वो 1 जनवरी, मैं आधा काम कर देता हूं, आपको ईयर नीचे कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए क्या है,
हाल ही में किस देश के प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट को जीआई टैग, ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी को जीआई बोलते हैं, तो जीआई टैग दिया गया है। तो देखिए, पश्मीना शॉल के बारे में थोड़ी बहुत आपको जानकारी होनी चाहिए। ये एक बकरी है, इसके जो नर्म नर्म बाल है ना, उससे ये शॉल बनाया जाता है। ये बहुत ही हल्का होता है, याद रखिएगा, लाइट वेट का होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इसमें गर्मी आपको देखने को मिलेगी। और ये कठुआ, जो जम्मू का जो कठुआ जगह है वहां पे आपको ये देखने को मिलेगा, जम्मू एंड कश्मीर। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी के साथ आपको आगे बढ़ना है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की ओर, यहां से आप जो है पश्मीना शॉल को देख पाओगे। अगला सवाल देखिए क्या है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर यानी कि CBDT के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो नितिन गुप्ता आपको ऑप्शन ए में ही दिख गए, नितिन गुप्ता जो है यहाँ के अध्यक्ष हैं। और CBDT का जो हेडक्वार्टर है आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है आपको न्यू दिल्ली में ये देखने को मिल जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे, नितिन गुप्ता की फोटो भी यहाँ पे लगी हुई है। हाल ही में मोहम्मद मोइजू, देखिए ये मालदीव के जो है क्या है, प्रेसिडेंट है, भारत विरोध में ये अंधे हो चुके हैं और इन्होंने बहुत जो है बहुत जो है भारत विरोधी बयान इन्होंने दिया है। आपको पता ही होगा हाल में ही लक्षद्वीप आइलैंड और म्यांमार ट्रेंड कर रहा था सारे सोशल मीडिया पे। तो मोहम्मद म्यूजी जो है वो मालदीव के क्या है, प्रेसिडेंट हैं, यहां से आप इनकी फोटो भी देख पाओगे। अगला सवाल देखिए क्या है, टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से जो है किसे सम्मान दिया गया, किसे प्रदान किया गया। तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, देखिए यहां से आप जो है आंसर ये देखो, लक्ष्मी अंबे को जो है ये पुरस्कार दिया गया है। किस लिए दिया गया है, तो ये फेमिनिज्म यानी कि नारीवादी महिला है, नारीवादी लेखक है, महिलाओं के हक में, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो है लिखा करती है, तो इनको टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम जो अचीवमेंट अवार्ड है ये दिया गया है। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे, राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धर्मेंद्र यहाँ पे है, धर्मेंद्र देओल को जो है यहाँ पे सम्मानित किया गया है। एक्चुअली बोलने में थोड़ी बहुत फंबल हो जाती है, सॉरी फॉर दैट। देखिए एक और बात आपको याद रखना है, ये किशोर कुमार सम्मान दिया गया है। अभी जो अगला सवाल है देखिए, राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान 2022, ये देखिए महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया जाता है। और राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान 2022 में उत्तम सिंह को मिला है, उत्तम सिंह को नहीं जान रहे हो ना, अभी आप जान जाओगे। गदर मूवी के जो गाने हैं ना, इन्होंने ही कंपोज किए थे। नीचे कमेंट करके बताना गदर मूवी का कौन सा गाना आपको बहुत पसंद है। और एक और बात, राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान 2023 की भी जो है घोषणा हो चुकी है, वीडियो मैंने पहले ही बना रखा है, देख लो जाकर प्ले लिस्ट में या फिर चैनल पर जाकर आप देख सकते हो। तो देखिए लता मंगेशकर सम्मान 2023 से जो है सम्मानित किया गया है सुरेश वाडेकर जी को, जो कि क्या है, सिंगर है। चलिए यहां से अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे हम लोग, 2023 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, गोल्डिंग। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, इकोनॉमिक्स मतलब पैसे की बात, और पैसा सोना जो है बहुत महंगा होता है, अर्थशास्त्र में जो है इसकी बहुत वैल्यू है, तो गोल्ड से क्या बना, गोल्डिंग। तो आप इसे भी ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हो। अगर आपको नोबेल प्राइज पे जो एक वीडियो चाहिए होगा तो नीचे नोबेल आप कमेंट करना, एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाने की पूरी कोशिश करूंगा ट्रिक के माध्यम से, आई रिपीट, ट्रिक के माध्यम से। अगला सवाल देखिए क्या है, हाल ही में किस राज्य के खामती चावल को जीआई टैग दिया गया है। तो देखिए ये त्रिपुरा का जो है चावल है, इसे जो है जीआई टैग, सॉरी त्रिपुरा नहीं, ये अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश के जो चावल है इसको जो है जीआई टैग दिया गया है। याद रखिएगा ये अपने टेस्ट में बहुत बेहतरीन होता है, तो इसलिए जो है इसे जीआई टैग मिल चुका है। यहां से आप इसकी फोटो भी देख पाओगे। 19वें राष्ट्रीय खेलों में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने कौन सा पदक जीता है। तो देखिए महिला तो छोड़िए, महिला मत छोड़िए, मतलब उनको अप्रिशिएट कीजिए, लेकिन महिला और पुरुष दोनों ने यहां पे गोल्ड मेडल जीता है। बधाइयां रुकनी नहीं चाहिए, दोनों टीमों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देकर गोल्ड मेडल जीता है, तो ये आपको याद रख लेना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला सवाल देखिए, 19वें राष्ट्रीय खेलों में भारत की जो रैंक थी वो फोर्थ थी, और पैरा ओलंपिक में भारत की रैंक फिफ्थ थी। याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों खेलों का आयोजन चाइना में किया गया था, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, यहां से आप इसकी जो मेडल टैली है वो भी आप देख सकते हो, भारत ने यहां पे 100 मेडल जीता हुआ है। आगे बढ़ते हैं, हाल में ही किस राज्य ने नीरमहल जल महोत्सव का जो है आयोजन किया, ये त्रिपुरा आंसर है, और ये 3 दिनों तक चलता है। 3 दिन में यहाँ पे ये देखिए एक झील है जिसका नाम है रुद्रसागर झील, वहां पे क्या होता है, बोट रेसिंग होती है, नौका दौड़, ठीक है, नौका दौड़ का जो है आयोजन किया जाता है।
और इसलिए जो है ये इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था ना अक्टूबर में एक और करंट अफेयर्स है, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है, 16 अक्टूबर को जो है वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेट किया जाता है, 24 अक्टूबर को क्या सेलिब्रेट किया जाता है नीचे कमेंट करना, मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को। आगे देखिए, हाल ही में इसराइल ने फिलिस्तीन के आतंकी समूह जो हमास है वहां का, उसके खिलाफ कौन सा ऑपरेशन शुरू किया। तो देखिए, हमास के बारे में थोड़ी बहुत आपको जानकारी होनी चाहिए। हमास जो है आतंकवादी संगठन है, कुछ देश इसे आतंकवादी संगठन मानते हैं, कुछ देश इसे पॉलिटिकल जो है संगठन मानते हैं, हर एक देश का जो है अलग अलग। एज अ इंडियन हम लोग इसे हमास को जो है आतंकवादी जो है संगठन नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि भारत सरकार जो है हमास को आतंकी संगठन नहीं मानती है। भारत सरकार का जो भी रुख होगा वही रुख हम लोगों का एज अ नेशन जो है होना चाहिए। बाद में जो है वो बात की बातें हैं। तो देखिए, इसराइल जो है यहाँ पे अटैक कर रहा है। एक और बात, इसराइल से एक और दो तीन चीजें जो है इंपॉर्टेंट है। इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम क्या है, एक्चुअली प्रेसिडेंट वहां पे होता है, प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्रेसिडेंट। तो देखिए, वहां के प्रेसिडेंट हैं बेंजामिन नेतन्याहू, और इनको जो है इनका जो एक निकनेम है बहुत ही पॉपुलर है, ठीक है, बीबी जो है इनको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बीबी नाम से जो है, एक्चुअली ये किसी का निकनेम होता है तो इनका नाम बीबी है, ठीक है। और बेंजामिन नेतन्याहू वो कहाँ के प्रेसिडेंट है, इसराइल के। इसराइल का जो हेड जो ये अपने आप को कैपिटल घोषित करता है वो जेरूसलम है, लेकिन इंडिया तेल अबीब को, याद रखिएगा यहाँ एक जगह है तेल अबीब, हम लोग जो है उसे ही इसराइल की जो है राजधानी मानते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो देखिए, इसराइल ने फिलिस्तीन पे हमला कर दिया है, वहां पे हमास ने बहुत सारे रॉकेट दागे इसराइल पे, और इसराइल जो है अब अटैक कर रहा है, रिटेलिएट कर रहा है। तो देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आयरन स्वॉर्ड जो है इसका, इस ऑपरेशन का नाम रखा गया है। अगला सवाल देखिए क्या है, द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद द बुद्धा ऑफ फोर सक्सेस, ये बुक किसने लिखी है। तो ये बुक जो है विवेक रंजन अग्निहोत्री के द्वारा लिखी गई बुक है। इससे पहले देखिए, विवेक जो रंजन अग्निहोत्री, ये बहुत सारा मूवी वगैरह बना चुके हैं, द कश्मीर फाइल, द तास्कन फाइल, और जो है हाल में इनकी वैक्सीन वॉर आई थी। 38वें बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेसेस का अवार्ड किसे मिला है। तो देखिए, कश्मीरा तन्ना को जो है ये अवार्ड मिला है स्कूप के लिए। स्कूप जो एक सीरीज आई थी, मैंने देखी है, बहुत ही कमाल की सीरीज है। एक जो जर्नलिस्ट है जो कि इनोसेंट है, उसे किस तरह से टॉर्चर से गुजरना होता है एक रिपोर्ट को ब्रेक करने के लिए, इसके ऊपर जो है ये एक मूवी है, ये मूवी आपको जरूर देखनी चाहिए। अगला सवाल देखिए क्या है, हाल ही में किस राज्य की मिठाई रसबली मिठाई को GI टैग दिया गया है। रसबली मिठाई जो है इसे GI टैग दिया गया है। तो देखिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ओडिशा। एक और बात आपको याद रख लेनी है, देखिए ये 262 साल पुरानी परंपरा है, बालादेव मंदिर में जो है ये भोग लगाया जाता है रसबली मिठाई का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। हाल ही में किस राज्य ने गंगा डॉल्फिन को जो राजकीय जलीय जीव है ये घोषित किया है। तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा यूपी। यूपी ने जो है गंगा डॉल्फिन को अपने यहाँ का जलीय जीव घोषित कर दिया है, राजकीय जलीय जीव घोषित कर दिया है। 5 अक्टूबर को, एक और क्वेश्चन, 5 अक्टूबर को जो है राष्ट्रीय डॉल्फिन डे सेलिब्रेट किया जाता है। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे, हाल ही में जियो मार्ट का जो है ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। तो MSD महेंद्र सिंह धोनी को जो है जियो मार्ट ने अपना जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, यहां से आप इनकी फोटो भी देख सकते हो। अब अगला सवाल देखिए क्या है, हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है। तो देखिए, मुकेश अंबानी इसका सही जवाब है। दूसरे नंबर पे आपको जो है गौतम अडानी दिखेंगे, तीसरे नंबर पे साइरस एस पूनावाला दिखेंगे, वही सीरम इंस्टीट्यूट के जो मालिक हैं, वैक्सीन वगैरह जो है बनाते हैं। तो ये सीरीज आपको कैसी लगी, अगर आगे भी आपको करंट अफेयर्स देखना है तो प्लीज नीचे कमेंट करके जय हिंद जरूर लिखिएगा, और इस वीडियो को जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो प्लीज शेयर कीजिएगा किसी एजुकेशनल ग्रुप वाले टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप चैनल पे। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।